स्वागत करती हूँ जेसीडी विद्यापीठ के प्रांगण में एमडी बायोकॉल्स का, उनके सर्वोच्च शिखर पर विराजमान बहुत ही युवा बहुत ही ऊर्जावान एमडी श्री नरेश सेठी जी का। और उन्होंने मिसाल दिखाई है, अपनी पत्नी को साथ लेकर के आए हैं, तो श्रीमती सेठी का बहुत बहुत दोहरा चौहरा अभिनंदन करते हैं। और इस कदम में प्रधान साहब पीछे नहीं रहे, मेरे घर में आप आके कभी जरूर देखें, महात्मा गांधी का कोई चित्र नहीं है, किसी देवी देवता का चित्र नहीं है, सिर्फ मेरे माता पिता की मूर्ति है, मेरे बच्चों की सैकड़ों सैकड़ों फोटो मेरे घर में लगे हुए हैं। मैं अपनी माँ की फोटो तो देखना नहीं चाहती, अपने पिता की फोटो देखना नहीं चाहती, और दूसरे बाबे मोटे माता पिता देवी देवता गणेश शंकर दुर्गा सरस्वती लगा लो कुछ भी लगा लो, सब पूजनीय है, सबको आराधना मैं भी करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरी माँ, सबसे पहले मेरे बच्चे, अगर वो मुझे प्रेरित नहीं करते और मेरा परिवार के भीतर बिल्कुल उनके अंदर मग्न होकर के मेरा दिल नहीं लगता, मेरी आरती नहीं होती, मेरी आराधना नहीं होती, मेरे प्यार का झरना प्रस्फुटित नहीं होता, तो मेरी सारी पूजा सारी आरती सारे पाठ व्रत तप संयम सब कुछ क्या है, मेरे हिसाब से मिलता है। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, किसी से भेद भी हो सकता है, मुझे कोई इस बात की परवाह भी नहीं है और मेरा किसी से कोई वैमनस्य भी नहीं है, जैसा आपको लगता है वैसे करें, मैंने अपनी नीति बताई है। इसलिए मैंने ये कहा इनको कि आप फैमिली फंक्शन करो ना, कि हम भी सबको देखें, सब भी हमको देखें, बाजार में मुझे मिले तो मुझे लगे कि एमडी बायोकॉल का ये मैनेजर गोलगप्पे खा रहा है, मुझे लगना चाहिए। कहीं किसी रेस्टोरेंट में मिले तो पता चले कि ये हमारे वहां का अटेंडेंट है, तो हम लोग चांद पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे घर बनाने की बातें करते हैं, लेकिन अपने मालिक के घर, अपने अटेंडेंट के घर, अपने मित्र के घर, अपने परिजन के घर, अपने माता पिता बूढ़े वयोवृद्ध जो दादा दादी रहते हैं घर में उनके घर, वहां जाने का टाइम ही नहीं हमारे पास। जिस कॉर्पोरेट की ग्रोथ की बात नरेश जी कर रहे थे, मैं दिल से कामना करती हूँ कि अगर उनका टर्नओवर आज 200 करोड़ है तो बहुत जल्दी 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 करके 2000 को टच करे, लेकिन जीना साथ में पड़ेगा। पैसे कोरोना ने दिखा दिए कि कुछ काम नहीं आते, लोग जेब में तजूरी लिए पड़े रहे, लेकिन उनको मेदांता से लेके और सिरसा के सिविल हॉस्पिटल तक मेरे पास रात के 2-2, 3-3 बजे फोन आता था कि मैडम आप हमारे जेसीडी विद्यापीठ में जो आपका हॉस्पिटल है एक भर्ती कर लो, एक भर्ती कर लो। फोन पे आंसुओं के गिरने की आवाजें आती थी, क्या करता था पैसा, मैं क्या जवाब देती कि भाई एक भी जगह नहीं है, एक भी बेड खाली नहीं है, और कैसे लोग बेमौत मरे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परिवार को देख लो, जी लो, उनके पास रह लो, आपस में जान लो पहचान लो। और आपके पास तो सेठी साहब ने कहा ना जो कि हीरा ही आ गया है, बिल्कुल मुझे याद आता है कि एक बार बाढ़ के दौरान एक समुद्र का मेंढक बह करके कुएं के मेंढक के पास आ गया, तो वो साइज उसका बड़ा बड़ा बंद कर बजे, तो उस कुएं के मेंढक ने पूछा तू समुद्र से आया, तेरा समुद्र कितना बड़ा है, उसने एक छलांग लगाई, बोला इतना बड़ा है, वो बोला नहीं, उसने चार छलांग, इतना बड़ा है, नहीं, उसने पूरे कुएं की परिक्रमा की, इतना बड़ा है, बोला क्या बताऊं तुझे, वो इतना बड़ा है कि तू सारी जिंदगी भी उसकी लंबाई को बता नहीं सकता। तो प्रधान साहब का जो अनुभव है, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके एंड चाइना, मतलब कोई कंट्री नहीं जहां मैंने अनुभव नहीं लिया, इतना अनुभवशील व्यक्ति के आने के बाद आपके पास में, आप सोच लीजिए कि आपके पास में रियल में डायमंड आ गया है। और मैं उनको काम करते देखती हूँ, जब वो जिंदल में जनरल मैनेजर थे, तो मैं ये बात बिल्कुल तन मन से और अंतर आत्मा से बताना चाहती हूँ कि अच्छा जीएम, अच्छा सीजीएम या अच्छा एलडी वो बिल्कुल नहीं है जो गाइड करता है और नहीं वो है जो पाठ पढ़ाता है, अच्छा जीएम सीजीएम वो है जो कर्मचारी के सीने में ऊर्जा की आग लगा देता है, कहते हैं कि तू बढ़ सकता है, तू कर सकता है, सोचते हैं पागल हो गए, वो आपकी ऊर्जा को पहचान चुका है, पहचान रहा है। और आप देखना कि जो आप इतना काम करते थे, अभी 3 महीने हुए हैं, 6 महीने के बाद इनके साथ रह के आपका काम का ग्राफ इतना हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं चाहते, अपने घर का काम नहीं चाहते, वो कोई आपसे किसी तरीके की और भी फायदेमंदी नहीं चाहते, वो केवल ये चाहते कि कंपनी के ग्रोथ के लिए जुट जाओ भाइयों, जुट जाओ, और जितना आप जुटेंगे वो उत्थान केवल कंपनी का नहीं होगा,
केवल एनडी भाई बोल या आस्था या दूसरा जो गगन जो है इन कंपनीज का नहीं होगा, इन अ वे वो सोसाइटी की ग्रोथ है। और सबसे प्यारी मोहब्बत की बात ये है एनडी भाई बोल के साथ जुड़ने में कि काम तो बहुत अच्छे अच्छे भी है, जल्लाद भी मारता है किसी को तो पंखा लेता है, ऐसे उसको भी नहीं मिलती, बकरे काटने वाला भी काट के पंखा लेता है, लेकिन वहां पर समाज नहीं जुड़ा हुआ। इस फॉर्म में समाज जुड़ा हुआ है क्योंकि जैविक उत्पादन कर रहा है, जैविक खाओ अच्छा खाओ रासायनिक छोड़ो, कैसे कैसे चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि भाई बच जाओगे। मेरे घर के अंदर कैंसर से 3 डेथ हो चुकी और उन 3 डेथ में एक ने भी कभी पान नहीं खाया होगा, सुपारी नहीं खाई होगी, सिगरेट तो उन्होंने कभी टच भी नहीं की होगी, दारू का तो प्रश्न भी नहीं है, फिर भी उनको कैंसर हो गया। और मरते मरते वो हमसे यही पूछते थे कि शमीम ये बता तू इतनी पढ़ी लिखी है हमें कैंसर कैसे हुई। तो इसका एक ही जवाब था कि जमीन के नीचे से जो खा रहे हैं ना इतने रसायनों का केमिकल्स का मिला हुआ, अब खाना नहीं खा जब जहर खा रहे। और एक नरेश सेठ जी समाज से आगे आकर के एक ससदेवा सामने आकर के इस जहर को कम करने का संकल्प लेता है। तो एक बार कंपनी की ग्रोथ की बात नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा, ये सामाजिक मुहिम है, ये तो एक आंदोलन होना चाहिए जैसे कि वो श्री गुरु ने चलाया हुआ है CSOL वाले। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक आंदोलन है, आने वाले समय की क्रांति है, एक ऐसा बिगुल है अगर नहीं बजाएंगे हमारी पीढ़ियां तड़प तड़प के मरेगी। और हम अगर अब संभले नहीं तो ये जो आग लगनी शुरू हो गई है कैंसर की और दूसरी बीमारियों की हमारे घर तक आ गई। इसलिए ऑर्गेनिक हमको खाना ही पड़ेगा, ऑर्गेनिक खाद को हमें जन जन के लिए आंदोलन बनाना ही पड़ेगा। इस मुहिम को स्कूल तक कॉलेज तक गाँवों में पंचायतों में जहां पे भी 4 आदमी मिल रहे हैं भाई जैविक खेती करो, जैविक खाद लो, जैविक खाद लो, जैविक खाद लो। ये माला की तरह माला के मोती के ऐसे जपने से राम राम शायद कुछ नहीं मिलेगा या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जैविक की माला जप लोगे तो स्वास्थ्य जुड़ जाएगा, सेहत जुड़ जाएगी, आपकी जिंदगी की रंगत बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी सिवाय रंग के कुछ भी नहीं, रंग है और एक ढंग है। जैसा हमारा रंग होगा काम करने का हमारा वैसा ढंग होगा, हमारा मिजाज होगा, हमारा स्वभाव होगा, जैसी हमारी नीति रीति हो। और जैसा हमारा ढंग होगा वैसा हमारा रंग दिल डोल हमारा मिजाज हमारी पर्सनैलिटी सब कुछ बदल जाएगा। तो रंग का आपको ध्यान रखना है, ये वही तो रंग है। अगर बच्चन साहब के पास चला जाता है तो वो क्या बोलते हैं, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और यही रंग अगर सुनील दत्त के पास पहुंच जाता है तो क्या बोलते हैं, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूं। और यही तो रंग है जो अगर कभी माया कभी जो हमारी मीरा के पास पहुंच जाता है, शाम वही रंग दे चुनरिया, ऐसी रंगने रंग ना छूटे, ऐसी रंग दे रंग ना छूटे, धोबी धोए सारे। और यही रंग अगर किसी शायर के पास पहुंच जाए तो वो क्या बोलता है, रंग रंग के रंग है तुझे रंग रंग से रंग दिया, मेरा रंग मुझ पे चढ़ गया तेरा रंग मुझ पे चढ़ गया। और यही रंग अगर किसी कविता के पास पहुंच जाए, कवि के पास, तो कवि क्या गुनगुनाता है, सारे प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, तालियों की बहुत कमी है, मरी मरी खाते जैविक हो उगाते जैविक हो और ताली कैसे बजाते, ये नहीं करेगा। किसी कवि के पास पहुंच जाए तो रंग के बारे में क्या कहेगा वो, कि इस रंग बदलती दुनिया में, इस रंग बदलती दुनिया में मैं ईमान बेचता हूं, और अगर यही रंग किसी विरही के पास पहुंच जाए, किसी प्रेमी के पास, तो एकदम से बोलेगा फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस कलर से तुम मुझको ऐसा पाती। और आखिर में अगर यही रंग अगर पहुंच जाए भगत सिंह के पास तो गली गली भगत सिंह बोला मैं रंग दे बसंती चोला। तो आज मेरे एनडी भाई बोल के परिवार के लोगों, मेरे बहनों भाइयों, मेरे बच्चों के समान आपके बहुत लोग हैं, नाम मुझे किसी का भी नहीं पता, नामों में मेरा बहुत ज्यादा यकीन भी नहीं है, एक एक जन मेरे लिए प्रियतम है, मेरा मित्र है, मेरा बंधु है, मेरा बांधव है, मेरी बहन है, मेरा बहुत ही निकटतम परिजन है। और आज आपको अपनी मोहब्बत के रंग में रंगने के लिए प्रधान साहब ने बताया है, और कोई मकसद नहीं है, हम आपको अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से लेके नीचे तक अपनी मोहब्बत के रंग में, अपने कर्म के रंग में, सफलताओं के रंग में, अपने परिश्रम के रंग में, अपने प्रयास के रंग में हम आपको रंग देना चाहते हैं। अगर आपने हमारा रंग ओढ़ लिया, पहन लिया, जैसे कि श्याम मीरा के रंग में
शाम के रंग में मीरा रंग गई थी, अगर ये रंग आपने अपने ऊपर चढ़ा दिया तो आपका नूर बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, फितूर बदल जाएगा, आपका जल्ला बदल जाएगा, आपकी जल्लत बदल जाएगी, आप बिल्कुल दूसरे पतले पतले हो जाएंगे। हमें पराया न समझे, हम आपके बहुत अपने हैं और आपके बहुत निकट से निकटतम होना चाहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जो कागज में मैंने लिखा था कि मैं पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, फिर कभी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हमारे सबको।